गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम जिनिया और आज मैं आप सबके लिए रिव्यू करने वाली हूँ पतंजलि का कोकोनट नरिशिंग क्रीम. दिस इज द पतंजलि सौंदर्य कोकोनट नरिशिंग क्रीम. तो ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में 2 to 3 months बैक, लेकिन मुझे इसके बारे में पता चला लाइक 5 to 6 days बैक और मैंने तभी जाके इसको मार्केट से उठा लिया है. एंड आई हैव बीन यूजिंग इट एवरी डे ऑन माई फेस फॉर लाइक एवरी डे पर्पज एंड इट इज ऑल्सो विंटर, तो मॉइस्चराइजर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको. तो पहले बात करते हैं इसके प्राइस, पैकेजिंग एंड एवरी थिंग द आउटर थिंग्स. सो इसका प्राइस है 70 rupees. आपको 50 gram क्वान्टिटी इसमें मिलता है. इसका शेल्फ लाइफ है 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैनुफैक्चर. ये एक नॉर्मल पतंजलि के टफ पैकेजिंग में आता है विद अ ब्राउन कैप, स्लाइट ब्राउन कैप, क्योंकि ये कोकोनट है तो इसका कैप का कलर भी लाइट ब्राउन. आपके पास पतंजलि का और भी दो मॉइस्चराइजर्स है, एक एलोवेरा दैट इज द ग्रीन वन एंड देयर इज अनदर पिंक वन. तो मेरे पास तो ग्रीन वाला पहले से ही था, तो नॉर्मल वैसे ही पैकेजिंग में ये भी आता है इन अ ब्राउन पैकेजिंग. तो ये आप जब खोलते हो द पैकेजिंग इज क्वाइट स्टरी एंड क्वाइट प्रिटी. आई लाइक इट. व्हेन यू ओपन इट तो आपको ऐसे एक वाइट लिड मिलेगा विच इज प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट इनसाइड. और इसके अंदर मतलब अगर जब आप इसको खोलोगे, दिस इज हाउ द क्रीम लुक्स लाइक विच इज वाइट इन कलर. एंड इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत माइल्ड है, लेकिन बहुत देर तक ये रहता नहीं है. तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है या स्मेल से प्रॉब्लम है, सो दिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये रहेगा ही नहीं बहुत देर तक. सो विच इज़ वेरी वेरी गुड. तो ये प्रोडक्ट एक आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है विद दिस ब्राउन कलर्ड कवर ऑन टॉप. सो दिस इज हाउ द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग लुक्स लाइक. एंड यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है. इसमें कोकोनट ऑयल है, जैतून का तेल है, ध्रुत कुमारी है, केला का एक्सट्रैक्ट है, पपीते का एक्सट्रैक्ट है, खीरा का एक्सट्रैक्ट है. तो इसका मतलब इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही अच्छा है. मुझे यहाँ पे कहीं पे मतलब वो पैराबिन नजर नहीं आ रहा है. सो इट इज नॉट रिटन दैट इट हैज पैराबिन इन इट एंड इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ स्किन. इसमें विटामिन ई भी है, सो द इंग्रेडिएंट लिस्ट इज क्वाइट यू नो इम्प्रेसिव. नाउ कमिंग बैक टू द क्रीम, दिस इज हाउ द क्रीम लुक्स लाइक एंड this is how it is. So the texture or the consistency of the cream is quite thick. ये एकदम thin cream नहीं है. So this is very much suitable for winters. आपका skin अगर बहुत dry हो रखे है तो आप definitely इसको winters में use कर सकते हो. So this is how it looks like and this is how it gets blended. This is how it spreads and then it gets blended very easily. और ये completely absorb हो जाता है आपके स्किन में. आप देख सकते हो इट गॉट कम्प्लीटली अब्सॉर्ब एंड माई स्किन इज लुकिंग वेरी मच नरिश्ड, हाइड्रेटेड, ग्लोइंग एंड मॉइस्चराइज्ड एंड इट इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्टिकी फीलिंग. ये बहुत ही अच्छा एक क्रीम है. मुझे बहुत अच्छा लगा पतंजलि का ये न्यू लॉन्च. मतलब आई एम टोटली इन लव दिस कोकोनट क्रीम एंड मतलब मैं सोच रही हूँ कि इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं पहले पता चला. तो आई हैव अ वेरी एक्ने प्रोन स्किन, तो मैंने ये 4-5 दिन से यूज किया है, कोई भी एक्ने कुछ नहीं दिया है, स्टिकी भी नहीं है, पैराबेंस भी नहीं है, अफोर्डेबल भी है, अवेलेबल भी है. ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन में मिलेगा. नो, यू विल ऑल्सो गेट इट, मतलब यू विल डेफिनेटली गेट इट इन दी पास में डिपार्टमेंटल स्टोर्स या कोई भी ग्रॉसरी शॉप या कोई भी पतंजलि का शॉप है, आपको मिल जाएगा. तो मतलब कंसिस्टेंसी अच्छा है, मतलब मॉइस्चराइज करता है ठीक ठाक, लाइक फॉर 4 to 5 hours तो आपके फेस में रहता है, बट आफ्टर 4 to 5 hours अगेन यू हैव टू रीअप्लाई इट. एंड दिस इज अ वेरी गुड क्रीम फॉर विंटर्स आई गेस एंड ऑल्सो फॉर द समर्स एंड वेरी मच सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. का एज सच मुझे कोई कॉन्स नजर नहीं आया एक्सेप्ट दैट यू हैव टू डिप योर फिंगर एवरी टाइम यू यूज इट विच इज अ लिटिल अनहाइजीनिक. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई भी कॉन्स मुझे तो नजर नहीं आया. मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस क्रीम को हाईली रिकमेंड करती हूँ आप सबको. आप जरूर जाइए एक बार, तो ट्राई कर ही लीजिए. सिर्फ 70 rupees का है, 75 में नहीं है. मतलब द एलोवेरा क्रीम एंड द पिंक टैप रिटेल्स फॉर 75, तो सिर्फ 70 में आता है. मतलब दिस इज 70 rupees में क्या आता है भाई, कुछ नहीं आता है. जस्ट गो एंड ट्राई दिस, यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली लव इट. और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्रीम कैसा लगा. मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और मैं आप सबको ये रेकमेंड भी करती हूँ. सो आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल है. अगर हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. अगर आपके फ्रेंड्स भी सोच रहे हैं कि ये खरीदे या नहीं खरीदे, तो उनको पता चल जाएगा कि दिस इज अ गुड क्रीम लाइक आई रेकमेंडेड. और शेयर दिस वीडियो, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए. एंड अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज कर दीजिए यार. मतलब आई एम गोइंग टू बी हिटिंग 1000, बट आई डोंट नो व्हेन, सो आई एम ट्राइंग रियली hard to reach 1000 subscribers, so please guys do help me for that. So I will see you soon in another video. Till then, take care, bye, love you all.